वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। इन ज्योग्राफी आपने बाय आते हैं ऑनलाइन क्लासेस एंड हियर वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने आर्टिकल 20 को शुरू किया है। पिछले लगभग दो वीडियो से हम आर्टिकल 20 को ही देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। काफ़ी ज़्यादा इसमें विवाद हैं, काफ़ी केसेस हैं, तो उसको देखना, स्टडी करना, अच्छे से समझना इसको बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछले वाले वीडियो हमने जीवन का अधिकार और मरने के अधिकार के बारे में चर्चा की, और साथ ही साथ हमने यूथेनेशिया के बारे में भी चर्चा की। और उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट केस जो कि अरोड़ा सानबाग बनाम भारत संघ था, उस पर भी हमने अपनी नज़र डाली। और साथ ही साथ हमने जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए थे उसमें, जिसमें कि सक्रिय दया मृत्यु और जो निष्क्रिय दया मृत्यु होती है, इसके बारे में बात की गई थी, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, उस पर भी हमने चर्चा की। और जो विधेयक लाया गया था हमने उस पर भी चर्चा की। अब देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जो विधि की उचित प्रक्रिया, दोनों में अंतर क्या है। इसे आप ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21A के बारे में चर्चा करेंगे और आर्टिकल 22 के बारे में चर्चा करेंगे आज। और उसके बाद फिर हमारा जो अगला वीडियो होगा वो हम आगे आर्टिकल 23 इत्यादि पर आगे हम देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। देखिए, मेनका गांधी के मामले में क्या होता है कि न्यायालय जो रहता है वो न्यायालय ये निर्धारित करता है कि आर्टिकल 21 के तहत, मतलब संदर्भ में, विधि की समय, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होता है। समय मतलब होता है उचित। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए ये जो आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार, मतलब ये है आपका, लिया गया है, ये आप कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, सभी आप जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो समय प्रक्रिया, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो समय प्रक्रिया है, मतलब जो विधि की उचित प्रक्रिया है, ये जो है अमेरिका के संविधान की विशेषता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ड्यू प्रोसेस का मतलब यहाँ पर होता है विधि की समय प्रक्रिया, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो होता इसमें यह है कि, तो हमने बात की जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके, मतलब अमेरिका से लिए गए, तो वहाँ पे जो, मतलब विधि की जो समय प्रक्रिया है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब अलग है और हमारे जो देश में मतलब है इसका अलग है। देखिए हमारे देश में जो मतलब इसको चेंज किया गया थोड़ा सा, इसमें हम कहते हैं विधि की प्रक्रिया, मतलब हम जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम अपने देश में कहते हैं कि विधि की स्थापित प्रक्रिया, मतलब आर्टिकल 21 के तहत अगर हम कोई भी फैसला लेते हैं तो विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी को उसके जीवन से क्या कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। मतलब जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि वे बातें, वे कानून जो संविधान में, मतलब बताई गई, संविधान मतलब जो कानून के माध्यम से हमारे देश में उपलब्ध है, संविधान में जो बातें कही गई उसे हम कहते हैं विधि की स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप अभी एक ही पक्ष को देख रहे हैं, जब आप दूसरे पक्ष को भी देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, दोनों में अंतर क्या है। तो हमारे देश में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि मतलब अमेरिका में भी ऐसे दिया हुआ है, अमेरिका के संविधान में, इसका मतलब हमारे देश में ये होता है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया, या फिर जिसे कहते हैं संविधान की प्रक्रिया के द्वारा ही जो होगा किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जाएगा, ठीक है। अभी हम आर्टिकल 21 के तहत ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो विजित, जो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो विधि की, अमेरिका में जो है विजित, विधि की जो उचित प्रक्रिया है, इसमें जो प्रक्रिया के उचित होने पर बल दिया जाता है, मतलब यह है कि इसमें किसी नियम कानून की बात नहीं की जाती है, बल्कि इसमें विवेक का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी केस में फैसला देने के लिए यहाँ पे नियम जरूरी नहीं है, बल्कि वहाँ पे विवेक का प्रयोग किया जाएगा। विवेक के आधार पर अगर लगता है कि ये क्या उचित है, ठीक है, तो उस उचित प्रक्रिया में जो है प्रक्रिया को उचित बस बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर बल दिया जाता है, न कि वहाँ पे कोई नियम कानून इत्यादि पर जो बल दिया जाता है, बल्कि प्रक्रिया जो है यहाँ पे उचित होनी चाहिए। और अमेरिका में जो न्यायालय है वो सर्वोच्च है, अर्थात अमेरिका में संविधान वही है जो न्यायालय कहता है, लेकिन हमारे देश में संविधान पहले से है और संविधान में विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो उन आधार पर ही हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, उन आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार के मतलब डिसीजन लेते हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत अगर आप किसी को जीवन से वंचित कर रहे हैं उसके, तो इसके लिए आपको विधि की स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, संविधान में दी गई प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि आपका जो न्यायालय कहता है उसका प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यायालय जो है आपके देश में क्या, सर्वोच्च नहीं, सर्वोच्च आपके देश में क्या है, संविधान है। लेकिन ये जो मतलब बात ली गई है अमेरिका के संविधान से, इसमें जो उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की है, उसमें वो विधि की उचित प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो विधि की उचित प्रक्रिया में प्रक्रिया के उचित होने पर बल दिया जाता है, ना कि इसमें किसी विधि की बात की जाती है, बल्कि इसमें विवेक की बात की जाती है कि विवेक के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पर जो न्यायालय है, वो जो बात कहेगा वही माना जाएगा, ठीक है। तो अमेरिका में संविधान नहीं है, संविधान वही है जो न्यायालय कहता है। तो यहाँ पे एक जो व्यक्ति जो न्यायाधीश के पद पर बैठा है, तो उसका जो विवेक कार्य करेगा, उसको जो लगेगा कि ये उचित तरीका है, इस तरीके से जो है इस प्रकार के इस व्यक्ति को क्या दी जानी चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, तो वो वही क्या बन जाएगा, वहाँ पे नियम है, वही कानून है वहाँ पे अमेरिका में। लेकिन हमारे देश में संविधान में सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो विधि की स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है, विधि के द्वारा
जो नियम कानून बनाएंगे, जो संविधान ने, संविधान में जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम किसी को उसके मतलब जीवन से वंचित करेंगे, ना कि हम कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो आज के न्यायाधीश, मतलब इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो उच्च न्यायाधीश आपके हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा जी, हम वो अगर कुछ कहते हैं कि नहीं देखिए मेरा विवेक ये कहता है कि इस व्यक्ति को इस प्रकार से सजा दी जानी चाहिए, सजा नहीं दी जानी चाहिए, तो अगर वो अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान जो है इन सब चीज़ों के बारे में जो सर्वोच्च है, और सोर्स जो होना चाहिए वो संविधान होना चाहिए, जो विधि है, जो विधि आपके देश में मतलब पहले से लागू है, जो नियम आपके देश में मौजूद है, उसी नियम को आप आधार बना के किसी को भी सजा का प्रावधान करेंगे, न कि अपने विवेक के आधार पर नहीं इसे ये बहुत ज़्यादा दुराचारी है, इसको जो है 20 साल नहीं 25 साल की सजा दी जाएगी, तो इस प्रकार से अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है अमेरिका में लागू होती हैं, अमेरिका का संविधान में जो ड्यू प्रोसेस अप्लाई है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो आपका जो न्यायाधीश है वो जो है जिस प्रकार से नियम कानून बनाता बताता है वही वहाँ पे संविधान है, लेकिन हमारे देश में क्या, संविधान ही सबको बताता है कि नियम कानून क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आप इसे ध्यान रखेंगे, अंतर को बिल्कुल क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। तो मेनका गांधी का जो मामला था, हमने देखा था पिछली बार, उसमें ये बात कही गई कि आर्टिकल 21 के तहत जो विधि की समय प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस अप्ला, भारत में उसका मतलब ये है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया, और जो अमेरिका में उसका मतलब है वो क्या है कि प्रक्रिया के उचित होने पर बल दिया जाता है, मतलब विधि के द्वारा कोई स्थापित हो प्रक्रिया या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब नियम कानून के अनुसार अमेरिका में चलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि न्यायालय जो कह देगा वही नियम कानून वहाँ पे, वही संविधान वहाँ पे है, लेकिन भारत में क्या है आपको नियम कानून जो दिए गए हैं, जो दस्तावेज आपका संविधान के रूप में है उसी के अनुसार आपको चीज़ों को करना है, यही मतलब है यहाँ पे दोनों में अंतर, यहाँ पे यही है, तो इसको आप अंतर को ध्यान दीजिए, अंतर क्लियर रखेंगे आप, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने से लिखने का प्रयास करेंगे, और इसका मैं एक मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत में इच्छा मृत्यु या फिर दया मृत्यु दिया जाना चाहिए, यदि हाँ तो किस आधार पर, यदि ना तो क्यों नहीं, तर्कपूर्ण तरीकों से अपना पक्ष रखिए। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप इस पर क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपको दया मृत्यु बता दी, तो इसमें आप पहला काम क्या होगा कि दया मृत्यु क्या है इसके बारे में बताएंगे आप, और दया मृत्यु दी जानी चाहिए तो क्यों दी जानी चाहिए इसके पक्ष को आप देखेंगे, फिर दया मृत्यु नहीं दी जानी चाहिए तो क्यों नहीं दी जानी चाहिए इसके पक्ष को आप देखते हुए एक अपना मतलब खुद का तर्क रखेंगे कि क्या आपके हिसाब से होना चाहिए, आप इस पर प्रयास करने का मतलब लिखने का प्रयास करिएगा, और चलिए ठीक है, प्रश्न आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बात करें अब आर्टिकल 21 ए, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 20 जो कैपिटल, जब कैपिटल रहता है यहाँ पे तो मतलब ये क्या एक स्वतंत्र आर्टिकल है, तो आर्टिकल 21 ए जो है आपका, हम यहाँ पे आर्टिकल 21 क्लास ए नहीं बोलेंगे, अगर आपने पहले से मेरे क्लासेस कर रखी है तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आर्टिकल को उच्चारित किया जाता है, प्रोनाउंसिएट किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 ए जो है शिक्षा का क्या है अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन की बात करता है, और इसको जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, देखिए ये थोड़ा से मतलब मिट गया तो मैंने फिर ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे, तो 2002 में से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है संविधान में, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है 2002 में संविधान में जोड़ा जाता है राइट टू एजुकेशन। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे जो हैं आपके, इनको अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा, मतलब जरूरी है कि इनको शिक्षा मिले और वो भी निःशुल्क मिले, इस प्रकार का आपको अधिकार दिया जाता है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप जब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्राइमरी स्कूल्स, जूनियर स्कूल्स चलते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब सरकार जो पुण्य करने का कार्य कर रही है, बल्कि ये आपका खुद का अधिकार है, आपका ये खुद का फंडामेंटल राइट है कि आपको जो है, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप निःशुल्क अधिकार, आपको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। और दूसरी बात यह कि अगर पैसा है तब भी, नहीं है तब भी, आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, आय वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से मतलब शिक्षा दिया जाना जरूरी है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो राज्य है, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य, हम हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य की, यहाँ पे हमारा जो संविधान है कल्याणकारी राज्य के, राज्य का जो है प्रबंधन करता है, तो इस प्रकार से ये जो कल्याणकारी कार्यक्रम है ये जो है सरकार चलाती है, ठीक है। तो ये आपका एक अधिकार है, आपका एक कर्तव्य है कि आपको इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मिले। संसद ने भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया है, जिसमें कि प्राइवेट स्कूलों में 25% जो है सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित कर दी गई, मतलब जो बड़े बड़े आपके जो देखते होंगे आप स्कूल से, दिल्ली में देखे होंगे आप बहुत से ऐसे स्कूल हैं, ठीक है, जो बहुत ही बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं, तो इसमें अगर मतलब गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए भी संसद ने जो है एक कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें 2009 में पारित किया गया, और इस अधिनियम के दौरान ही द्वारा ही कहा गया कि 25% जो सीटें होंगी इस बड़े स्कूलों में वो क्या होंगी, मतलब फिक्स होंगी गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से जो है हमें शिक्षा का अधिकार भी दिया जाता है। अब एक चीज़ के बारे में हम और बात करेंगे, आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे, तो आर्टिकल 22 में हम देखेंगे कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण, मनमानी गिरफ्तारी क्या होता है, निवारक नजरबंदी क्या होता है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, देखिए आइए चर्चा करते हैं। देखिए कि व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि मनमानी गिरफ्तारी या फिर निवारक नजरबंदी क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, अगर आप किसी को मनमानी तरीके से गिरफ्तार करते हैं
कि आप मान लीजिए पुलिस आती है आपके पास और आपको गिरफ्तार कर दी, तो आपके पास इतना अधिकार है कि आप पुलिस से पूछें कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, मतलब किस कारण पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और साथ ही साथ मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। मतलब अगर आप चाहें तो किसी भी वकील से परामर्श करने का अधिकार आपके पास होगा। पुलिस उसमें या फिर कोई भी प्रशासन आपको उसमें दखल नहीं दे सकती है, ये आपका खुद का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21-22 के तहत। तो आपके पास इतना अधिकार होता है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं हमको, और साथ ही साथ आपको वकील से परामर्श करने का, जो वकील आप चाहें उससे परामर्श करने का आपको अधिकार होता है। और साथ ही साथ देखेंगे तो 24 घंटे के भीतर निकट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना जरूरी है, ठीक है। इसमें जो यात्रा में लगने वाला समय है वो छुट्टियां इत्यादि को छोड़ दिया जाता है। देखिए मान लीजिए अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर आपके जो सबसे नज़दीक में जो मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, उनके उनके सामने को जो है मतलब प्रस्तुत मतलब उपस्थित करना अनिवार्य होगा पुलिस द्वारा। और इसमें जो मतलब आपकी यात्रा मान लीजिए कहीं दूर हैं, मजिस्ट्रेट दूर हैं, वहाँ से मजिस्ट्रेट तक पहुँचने में समय अगर लगता है ज़्यादा तो उस समय को काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद का जो समय रहेगा और जो छुट्टी इत्यादि को उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, बल्कि छुट्टी इत्यादि और समय इत्यादि को छोड़कर जो समय 24 घंटे बनता है उसी के आधार पर आपको जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि हमारे देश में इसका भी दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। कि आपने प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी देखा होगा कि अब पुलिस क्या करती है, उसको बहुत लोगों को पकड़ती है कि अब फ्राइडे को पकड़ेगी शाम को, ठीक है, फ्राइडे को शाम को पकड़ेगी तो उससे क्या होगा, सैटरडे को क्या होता है 24 घंटे जब तक पूरे होंगे उससे पहले क्या होता है हाफ डे हो जाता है, खत्म हो जाता है सैटरडे का पूरा समय, फिर संडे को छुट्टी मिल जाती है। तो इस प्रकार से जब पुलिस जो है फ्राइडे को किसी को पकड़ती है तो फिर उसके बाद 2-3 दिन का समय मिल जाता है मतलब उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो इस प्रकार से देखते हैं पुलिस भी इसका जो एक लूप होल है, इस लूप होल का अच्छे से प्रयोग करती है और जो है मतलब मनमाना अपना यहाँ पे भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे अगर आप फ्राइडे के दिन पकड़े जाते हैं तो फिर आपको ये मान लें कि आप अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तो उसमें आप ब्लेम नहीं कर सकते, उनसे कह नहीं सकते कि आप क्यों नहीं 24 घंटे के अंदर मुझे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो छुट्टी को काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप इसको, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दुरुपयोग है हमारे देश में आमतौर पर देखने को मिलता है, आप सभी भी इससे परिचित होंगे, ठीक है। अगर बात करें तो लेकिन ये अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। कौन से देश? शत्रु अन्य देशी निवारक नज़रबंदी अपने निवारक विरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति। शत्रु अन्य देशी मतलब ऐसा व्यक्ति जो शत्रु है किसी देश का, मतलब हमारे देश का जो शत्रु है, ऐसा देश जो शत्रु है हमारे देश का, ठीक है, ऐसा देश जो हमारे देश का शत्रु है और उसका कोई नागरिक है, अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके संदर्भ में ये जो चीज़ें जो मतलब जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, गिरफ्तार करने पर मतलब कारण बताया जाएगा, वकील से डिस्कस कर सकते हैं, इस प्रकार का अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए शत्रु देश आपका कौन सा है, कौन सा शत्रु देश आपका? आपके दिमाग में पाकिस्तान आ रहा होगा, चीन आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान चीन सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपका ना पाकिस्तान शत्रु है और ना ही आपका चीन शत्रु देश है, ठीक है। क्यों? अभी आप जब शत्रु अन्य देश की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। आइए बात करते हैं इस पर। देखिए ये हमने शत्रु अन्य देशी के बारे में बात की कि जो शत्रु अन्य देशी हैं मतलब किसी अगर कोई देश हमारा शत्रु है उसका अगर कोई नागरिक है उसके केस में जो हमने आर्टिकल 22 के तहत जो प्रावधान देखे हैं उसके वो प्रावधान में जो अधिकार दिए गए हैं नागरिक को कि आप पूछ सकते हैं कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, वकील से परामर्श कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित होना जरूरी है। तो ये अधिकार इन दो लोगों को नहीं दिए गए हैं जो शत्रु अन्य देशी मतलब कि जो हमारा शत्रु है उसका कोई नागरिक उसके लिए अगर हो तो उसे अधिकार ये नहीं होगा। और निवारक नजरबंदी निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसको ये भी अधिकार नहीं होगा। तो निवारक नजरबंदी क्या होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पहले ये समझिए कि शत्रु अन्य देशी क्या होता है। देखिए शत्रु अन्य देशी से तात्पर्य ऐसा है कि ऐसे देश के नागरिक जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, ध्यान रखेंगे युद्ध चल रहा हो, ठीक है, मतलब करंट में चल रहा हो। शांति काल में कोई भी देश जो है शत्रु अन्य देश कोई भी जो शत्रु अन्य देशी नहीं होता, मतलब कोई भी नागरिक अभी पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है, चीन से चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो पाकिस्तान के अगर कोई नागरिक या चीन का कोई नागरिक हमारे देश में होगा तो वो शत्रु अन्य देशी नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अभी कल को अभी युद्ध शुरू हो जाए तो जो नागरिक अभी हमारे देश में पाकिस्तान या चीन का जिससे भी हमारा युद्ध शुरू होता है तो अगर चीन से युद्ध शुरू होता है तो चीन का जो नागरिक हमारे देश में रहेगा तो उसे हम शत्रु अन्य देशी कहेंगे। और अगर उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके लिए जो है उसके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो पूछे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर वकील से अपने परामर्श करने का उसको अधिकार नहीं होगा और पुलिस जब तक चाहे उसे जो है अपने पास रख सकती है, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित कराने का भी अधिकार मतलब अधिकार उसको नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने वो 24 घंटे के अंदर जो है अपने आप को उपस्थित करवाएं, ठीक है। तो शांति काल में कोई भी देश आपका शत्रु नहीं होता है, शत्रु अन्य देशी कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि सभी मतलब एक जैसे समान होते हैं। लेकिन जब युद्ध चल रहा होता है तो जिस देश युद्ध होता है उस देश के जो नागरिक होते हैं वो शत्रु अन्य देशी कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको गिरफ्तार करने पर ये सारे अधिकार उनको नहीं प्रदान किए जाते हैं। अब निवारक नजरबंदी क्या होता है जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इंग्लिश में। देखिए जब किसी व्यक्ति को अपराध किए भी भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका हो
के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि मान लीजिए कहीं अगर दंगा भड़क गया तो कोई एक समुदाय है उस समुदाय के मान लीजिए दंगा भड़क गया तो फिर क्या होगा, किसी एक समुदाय को अगर ज़्यादा क्षति पहुँच गई है तो होता ही है कि कभी कभी आप देखेंगे दूसरा जो समुदाय होता है उसके कुछ नेता इत्यादि तथा कथित जो लोग होते हैं, मतलब कि हम उसके रक्षक हैं इस समुदाय के, जो अपने आप को रक्षक कहते हैं उस समुदाय के, वो क्या करते हैं तो अपनी अपनी जगह से चल देते हैं कि चलिए अब हम वहाँ पर चलेंगे, अब वहाँ पर बताएंगे बाकी लोगों को, ठीक है, जिसने हमारे समुदाय के साथ ये कार्य किया है। तो आप देखेंगे इस स्थिति में देखते होंगे कि पुलिस क्या करती है, उनको रास्ते में रोक लेती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। क्यों क्यों गिरफ्तार करती है? क्योंकि पुलिस को ऐसा शक होता है, ऐसी आशंका होती है कि ये भविष्य में जो है जुर्म करने अपराध करने जा रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना, मतलब अभी वो अपराध नहीं किया है लेकिन भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका है, अब वो जा रहा है जहाँ पे वहाँ पे अपराध करने की आशंका है, तो इस आधार पे भी उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसे यही कहते हैं निवारक नज़रबंदी। मतलब नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी मतलब ये होगा कि अपराध करने से रोकना। अगर कोई व्यक्ति अभी अपराध नहीं किया लेकिन अगर वो अपराध करने के मंसूबे से कहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगर रोका जाता है तो गिरफ्तार किया जाता है, तो ये निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया जाता है उसको, ठीक है। और अगर निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसको बाकी जो अधिकार दिए गए आर्टिकल 22 के तहत वो अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, ना उसको कोई वकील दिया जाएगा ना उससे उसको ये बताया जाएगा तुमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये निवारक नज़रबंदी था। निवारक नज़रबंदी दंडात्मक नज़रबंदी से अलग है। ध्यान रखेंगे कि जो निवारक नज़रबंदी है ये आपकी दंडात्मक नज़रबंदी से अलग है। क्या है? क्योंकि दंडात्मक जो नज़रबंदी है इसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जो निवारक नज़रबंदी है इसमें अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जाता है। तो दोनों में अंतर है कि जो आपका निवारक नज़रबंदी है इसमें अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जाता है और जो आपकी दंडात्मक नज़रबंदी है इसमें अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है उसे भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत में निवारक नज़रबंदी जो है समवर्ती सूची का विषय है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो है इसका जो चार आधार है, मतलब किस आधार पर बनते हैं, राज्य की सुरक्षा, अगर राज्य की सुरक्षा को खतरा है तो वहाँ पे भी आप किसी व्यक्ति का निवारक नज़रबंद, मतलब निवारक तौर पे नज़रबंद कर सकते हैं उसको। और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है तब भी किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध है, ठीक है, अगर उस संबंध के बिगड़ने का खतरा है तो भी आप उसको जो निवारक नज़रबंद के तौर पर जो है उसे जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए आपने कई बार ऐसा देखा हुआ कि जो मान लीजिए अभी रिसेंटली जो आपके शी जिनपिंग जो हैं, आपके जो चाइना के क्या राष्ट्रपति हैं, वो जब क्या बोलते हैं नेपाल में जब आते हैं विजिट करते हैं, अपना फर्स्ट विजिट करते हैं नेपाल में, तो उसके बाद फिर देखते हैं आप कि वो पहले कहते हैं नेपाल के, मतलब जो नेपाल का जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेपाल की जो सरकार है, पहले उससे कहते हैं कि ऐसा है कि हम नेपाल में आएंगे तो, लेकिन हमें ऐसा आप मतलब अश्योर करिए कि जो बौद्ध हैं, जो तिब्बती जो बौद्ध हैं, जो नेपाल में भी कुछ तिब्बती बौद्ध रहते हैं, वो हमारे खिलाफ़ प्रदर्शन नहीं करेंगे कि बौद्ध जो तिब्बत है उसको जो है स्वतंत्र किया जाए, स्वतंत्रता उसको प्रदान की जाए, इसके खिलाफ़ प्रदर्शन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रदर्शन करेंगे हमारे खिलाफ, ठीक है, हमारे सामने प्रदर्शन करेंगे आपके देश में, तो फिर इससे हमारे और आपके संबंध जो बिगड़ सकते हैं। तो सरकार जिसने पूरी तरीके से प्रबंधन किया था कि कहीं से भी बौद्ध जो वो हैं मतलब प्रदर्शन ना कर सके शी जिनपिंग के सामने, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मतलब ऐसे कई बार ऐसा होता है कि विभिन्न देशों में जब लोग जाते हैं, मतलब कोई मतलब राजनेता जाता है, तो उस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है क्या किया जाता है, किया जाता है। और प्रदर्शन करने का अधिकार आधार ही होता है कि वो मतलब कुछ मांगे मनवाना चाहते हैं या फिर किसी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं, लेकिन जब आप इस प्रकार का मतलब विदेशी राज्यों के साथ आपका मैत्रीपूर्ण संबंध होता है और कोई आपका विदेशी राज्य से कोई मतलब प्रतिनिधि आपको विजिट करने आता है आपके देश में, तो आप यह अश्योर करते हैं कि उस मतलब विदेशी मित्र राज्य जो हमारा है उससे हमारा संबंध बिगड़े ना। तो इस प्रकार की स्थिति में अगर मान लीजिए कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता है उसके सामने, तो आप उसको क्या करते हैं, पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, अब पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं ताकि वो प्रदर्शन ना कर सके और यात्रा जो है विदेशी राज्य के प्रतिनिधि की वो आराम से हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, मतलब इसमें भी देखा जाता है कि अगर कोई समस्या अगर हो रही है, मान लीजिए जैसे अगर स्थिति अगर ऐसी हो जा रही है जिसमें अगर राज्य जो है कहीं पे कोई समस्या चल रही है, उसमें जो है राज्य जो आवश्यक सामग्रियों की जो आपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा किया जा सकता है और निवारक नज़रबंदी के तौर पर ही गिरफ्तार किया जाएगा और बाकी चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर को और आपूर्ति जो है आवश्यक आपूर्ति उसको बहाल किया जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएँ चलती हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अब कुछ कानून के बारे में बात करते हैं जो निवारक नज़रबंदी से संबंधित हैं। बात करें अगर मीसा टाडा पोटा, ये जो केंद्र के निवारक नज़रबंदी के कुख्यात कानून थे जिन्हें खत्म किया जा सकता, मतलब ये ऐसे कानून थे ना मीसा टाडा पोटा की किसी को उठा के केंद्र सरकार जो है उठा के बंद कर देती बिना कुछ बताया,
अब महीनों तक गायब रहते थे वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कानून था काफी इनका विरोध हुआ, तो इनको बाद में जो केंद्र सरकार बंद की है। अब इनके बारे में जानना आपको पास जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना कि ये ऐसे कानून थे जिसमें मतलब काफी अधिकारों का काफी उल्लंघन किया जाता था, और जिसको चाहते थे जब चाहते थे उठा लेते थे, और फिर महीनों तक वो नजर नहीं आता था। तो इस कानून को खत्म किया जा चुका है, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में केंद्र के पास जो केंद्र का जो कानून है उसे हम कहते हैं रासुका। आप अक्सर सुनते होंगे कि रासुका लागू होगी, ठीक है। तो रासुका लगाया उनके ऊपर, तो रासुका जो है एक मतलब ये बोलचाल की भाषा में इसे जो इसका मतलब तकनीकी जो शब्द है वो NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट निवारक नजरबंदी कानून है ये। तो जो केंद्र का निवारक नजरबंदी कानून है उसे कहते हैं NSA, इसे बोलचाल की भाषा में रासुका कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और जो महाराष्ट्र में निवारक नजरबंदी कानून है इसे मकोका कहते हैं, मकोका मतलब MCOCA मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ठीक है। और गुजरात में भी इसी के तर्ज पे जो है इसे गुजकोका कहते हैं, जिसे गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे जो वर्तमान स्थिति है नजरबंद जो कानून निवारक नजरबंदी के जो कानून है उसमें केंद्र का जो है रासुका है, जिसे NSA बोलते हैं, महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। और आपके सामने मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निवारक नजरबंदी के कानून स्वतंत्रता पर आघात करते हैं, अतः उन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए, अपना तर्क दें। मैंने आपको निवारक नजरबंदी क्या उसको बता दिया, आर्टिकल 21 बता दिया है, आर्टिकल 22 बता दिया है, उसमें ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि निवारक नजरबंदी कानून स्वतंत्रता पर आघात करते हैं। पहले आप बताएंगे निवारक नजरबंदी कानून है क्या, ठीक है, और फिर बताएंगे आप स्वतंत्रता पर किस प्रकार से आघात करते हैं, ठीक है, फिर आप बताएंगे ये निरस्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, अपना तर्क दीजिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा आपको, लेकिन आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करिएगा, आप प्रयास करिएगा कि आप जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इस तरह का कार्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलिए ठीक है, फिर कैसा लगा वीडियो आपको आप मुझे बताएं कमेंट में, और ठीक है मिलते हैं इसके बाद अपने अगले वीडियो में, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर तब तक के लिए नमस्कार, ओके।